फेसबुक पेज में चैंट विद लोकनाथ स्वामी फेसबुक पेज और लोक संग में भी इसको एवरी डे प्रतिदिन आपके कमेंट्स आपके क्वेश्चंस आप लिखते रहते हो जिसको फिर हम भी पढ़ते हैं और आप सबको भी पढ़ना चाहिए, स्फूर्ति मिलेगी आपको। आपको इस संघ का पूरा लाभ होगा जब वो क्वेश्चंस और कमेंट्स को भी आप पढ़ोगे, तो ऐसा भी अभ्यास ऐसे अभ्यस्त हो जाइए। डेली आप यू कुड विजिट द लोक संग एंड फेसबुक पेज। कैन यू एक्सप्लेन विश्रम्भ इन वन वर्ड? तो किसी ने प्रश्न पूछा, क्या आप एक शब्द में कह सकते हो विश्रम्भ क्या है? तो मैं वैसे वर्ड मीनिंग देख रहा था तो अंग्रेजी में लिखा है इंटिमेसी, घनिष्ठता या आत्मीयता। ट्रस्ट, फिर भगवान में ट्रस्ट, अवश्य रक्षिबे कृष्ण इत्यादि जो शरणागति के लक्षण है ये भी प्रकट होते हैं इस विश्रम्भ में। To win confidence of, तो भगवान का कॉन्फिडेंस हम में और हमारा कॉन्फिडेंस भगवान में, ये विश्रम्भ है। Absence from restraint, रिस्ट्रेंट मतलब हम दूर रहते हैं। सावधान रहते हैं, सारे औपचारिकता का पालन करते हैं और ये होता है भगवान के ऐश्वर्य पर हम ध्यान देते हैं। भगवान महान है और ऐश्वर्यश समग्रश्य वीर्यश्य यशसा श्रिया, तो फिर हम दूर से ही भगवान को नमस्कार करते हैं या भगवान की फिर स्तुति गान करते हैं। तो इसको रिस्ट्रेंट कहा है, तो ऐसा रिस्ट्रेंट नहीं, दूर नहीं, हम कोई औपचारिकता नहीं है, भगवान मेरे हैं अपने हैं, ऐसा समझ के ऐसी समझ ऐसा ऐसी भक्ति भाव के साथ भगवान के साथ का जो संबंध है, लेन देन है, वो लीला है, वो विश्रम्भ सख्य फिर विश्रम्भ वात्सल्य विश्रम्भ माधुर्य बनता है। और प्लीज एक्सप्लेन हाउ इज शांत रस वन ऑफ द मुख्य रस when it doesn't have any seva bhav, how to understand? So, prashna pooch rahe hain, hari kirtan prabhu prashna pooch rahe hain. So jab yeah, ye sab
ये सात गौन रस है, पांच मुख्य रस है, ये सब चर्चा हो ही रही थी तब तो वो। और फिर मुख्य रसों की चर्चा प्रारंभ हुई तो वह मुख्य रसों में पहला है या एक है शांत रस। तो उस समय कहा कि शांत रस में उस भक्ति का भाव तो होता है, लेकिन भक्ति का या सेवा का भाव होता है किंतु प्रदर्शन नहीं होता। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे भक्त को या ऐसे शांत रस में स्थित भक्त को कुछ संग प्राप्त हो जाए और भक्तों का जो सक्रिय है, एक्टिव है, समर्पित है, तो तुरंत ही उनकी जो सुप्त सेवा भाव है डोरमेंट, वो जागृत होगा और रिवाइवल होगा और वे फुल फ्लेज्ड दास्य भाव को अपनाएंगे। और जो वह शांत रस के भक्तों का लक्षण भी आपको सुनाए, निष्ठा और अनासक्त। तो वह ये भी उच्च उच्च स्तर है, निष्ठावान होते हैं ये शांत रस के भक्त। तो और गण गौन रस के भक्तों के तुलना में ये प्रगति या उच्च स्थिति या स्तर है, इसीलिए इसकी गणना, शांत रस की गणना मुख्य रसों में की गई है। वैसे भगवान अखिल रसामृत सिंधु है, अखिल रस अमृत सिंधु या अखिल रस के विग्रह है वह, सारे सारे रसों की खान है भगवान। तो उसमें से एक शांत रस भी है और विशेष रस है शांत रस। तो मुख्य रसों में उसकी गणना की है। वैसे भगवान रसो वै सह, भगवान रस रस से पूर्ण है, तो उसमें से एक रस शांत रस है। तो आपको बताया तो था, एक समय चार कुमार शांत शांत रस में स्थित थे, शांत रस श्रेणी के थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वैकुंठ में और वहाँ का सौरभ को सूंघ लिया, तो उनकी शांति भंग हुई और तब से वे शांत नहीं रहे, तब से वे सक्रिय रहे, तब से वे जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश करने लगे, कथाएं सुनाने लगे, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाने वाले तो चार कुमार ही है। तो एक समय के ये शांत रस के भक्त उच्च कोटि के बने। ओके, सो लाइक दैट। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट वी हैव टू प्रोसीड, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। How Ajamil went to Namabhas stage, as it takes Anartha Nivritti to go on to that stage. Aurobindo Lochan Prabhu Bhubaneswar se pooch rahe hain ye prashna. Ajamil ko Namabhas star kaise praapt hua? Namabhas to hua जब व्यक्ति अनर्थ
अनर्थों से निवृत्त होता है या प्रथम तो वह नाम अपराध होते हैं और फिर व्यक्ति जब करते ही रहता है भगवान का नाम लेते रहता है, नारायण नारायण नारायण, तो अजामिल भी अपराध के साथ अपराध मिश्रित उनका जप हो रहा था। तो वैसे जब ये यमदूत आए तभी अजामिल ने पहली बार नारायण नहीं कहा था, ये समझना होगा। नारायण आ जाओ, इधर आओ, ये खमे कम, यहाँ यहाँ आओ, नारायण बैठो, नारायण प्रसाद खाओ, नारायण तुम्हारे लिए खिलौना है, नारायण कहा है, वेर इज नारायण, नारायण कहा है। तो प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र नारायण का तो कई बार वो नाम लिया करता था, नारायण आओ, नारायण जाओ, नारायण बैठो, नारायण 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 नारायण, तो माला लेके तो 108, लेकिन उसका हो जाता था 108 से अधिक बार, तो एक माला या कई मालाएं हो जाती थी। तो जब जब उसने नारायण कहा, नारायण नारायण, हे नारायण, ओ नारायण, कहाँ है नारायण, भोजन करो नारायण, दूध पियो नारायण, तो वह ये जब उच्चारण करता रहा ये अजामिल, तो वह इस उच्चारण के साथ उसकी अनर्थ निवृत्ति हुई है, अनर्थों से निवृत्त, मुक्त, अपराधों से रहित बनता गया। और फिर आ गए जब यमदूत, तो उस समय का उसका नारायण जो कहा या नारायण नाम को उच्चारण किया, तो इतना असहाय हेल्पलेसली उसने पुकारा, मानो हुआ सहायता के लिए नारायण को, भगवान को ही पुकार रहा था, ऐसा भगवान ने मान लिया। इस स्थिति में अजामिल उसे मुझे ही बुला रहा है, मुझे ही संबोधित कर रहा है, ऐसे कृपालु भगवान है। तो भगवान ने तुरंत अपने विष्णु दूतों को भेजा और मुक्त किया, मृत्यु से मुक्त। हरी हरी। तो वह नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम, और फिर हम जानते हैं शुद्ध नाम जप के लिए फिर वो हरिद्वार जाके और बढ़िया से ध्यान पूर्वक और सावधानी से, सावधान होके उसने आगे अपनी साधना भक्ति की या नाम जप किया, तो शुद्ध नाम का उच्चारण करने लगा। और अभिन्नत्वात् नाम नामिनौ, इसका अनुभव जब हो रहा था तो फिर आ गए विष्णुदूत और वैकुंठ के लिए प्रस्थान हुआ। We are such a fallen souls, how we will be able to reach Vishrambha stage? तो कोई पूछ रहे, कौन पूछ रहे, विद्वान गौरांग प्रभु पूछ रहे हैं कि हम इतने पतित है, कुछ पूछो नहीं, ऐसा तो नहीं, उन्होंने नहीं कहा।
तो हम पति थे, हम नीच है, और ये विश्रम्भ अवस्था तो इतनी ऊंची अवस्था है, ऊंचा स्तर है, हाई थिंकिंग है। तो हम पतित है तो कैसे पावन होंगे और कैसे इस विश्रम्भ अवस्था को या भावों को प्राप्त करेंगे। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। तो ये सिद्धांत है और इसके अनुसार राइट नाउ इस समय हम जो भी है, पतित है या मौसम पतित प्रभु ना पाई बे यार, या भक्त कदम मुझसे मुझसे सा पतित तो प्रभु शायद आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना पतित मैं हूं। तो वह तो इस वक्त हम जो भी है, इस वक्त हम जो है, हमारे स्वरूप के अनुसार हम जो भी है, वैसे बनने का अधिकार हम सभी का है। स्वरूप के दृष्टि से हम कोई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हम है भगवान के, हम लगते हैं कुछ और, हमारा स्वरूप है, हमारा भगवान के साथ एक निश्चित संबंध है। और इतना ही नहीं, भगवान की कोई विशेष सेवा, नित्य सेवा का अधिकार भी हमको है। तो वहाँ तक पहुँच या हम पहुँच सकते हैं, और इसीलिए है ये श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। तो श्रवण करो, कीर्तन करो, दीन ही न जत झिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाए माधाय। तो जो भी दीन है, हीन है, पतित है, जैसे कौन थे, जगाई मधाय, तो उनका उद्धार हुआ। किसने उद्धार किया? हरि नाम ने उद्धार किया। तो अगर अजामिल का उद्धार हो सकता है, और अजामिल जितने पापी थे उनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते, इतने महापापी थे, तो उनका उद्धार हो सकता है हरि नाम से या श्रवण कीर्तन से, तो मेरा भी जरूर होगा। और हरि नाम में श्रद्धा, फिर हरि नाम में श्रद्धा है, ये हरि नाम कोई कल्पना नहीं है, तो हरि नाम में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, या इस श्रवण कीर्तन विधि में श्रद्धा है, अवश्य रक्ष बे कृष्णा, ऐसी शरणागति है। तो वह कोई भी पतित, इस संसार का कोई भी पतित जीव का उद्धार और उन्नति संभव है। मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं इसको पा के ही रहूँगा, हमारे लोकमान्य तिलक पुणेकर, उन्होंने कहा स्वातंत्र हमारा जन्म सिद्ध हक आहे, आणी तो मैं मिलोनारस। स्वतंत्र देश में रहने का मुझे अधिकार है, अब हम तो पारतंत्र में हैं।
तो हम स्वतंत्र बनेंगे ही. क्विट इंडिया, छोड़ो भारत. अब ब्रिटिश, हम स्वतंत्र बन के रहेंगे. तो उनका जैसा निर्धार था, दुर्दैव से कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम या ब्रिटिश राज के स्थान पर फिर कांग्रेस राज, इंदिरा राज वो चाहते थे. तो इसके लिए इतने वे अपना निश्चय, उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षडभीर भक्ति प्रसिद्धति सिद्धि. परफेक्शन संभव है. तो क्यों नहीं, तुम भी हे विद्वान गौरांग, प्रश्न करता है, क्यों डरे हो, क्यों क्यों शंका मन में रखे हो. ओके, वी अंडरस्टैंड और से लॉर्ड राम एंड कृष्णा बोथ आर सेम बट देयर धाम इज डिफरेंट. व्हाई? तो ये लिख रहे हैं अनिल बेनीगड़े, बेनी बगड़े, गोंदिया से. कि हम कहते हैं या सुनते हैं राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन हमने कहा कि राम एक धाम में रहते हैं और कृष्ण दूसरे धाम में रहते हैं. अगर वो दोनों एक है तो धाम दो क्यों? तो वैसे भी एक है और एक नहीं भी है. अचिंत्य भेदा भेद ये भी समझा ही रहे थे. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. तो कृष्ण और राम या कृष्ण और नरसिंह, कृष्ण और विष्णु, कृष्ण और वामन, कृष्ण और द्वारकाधीश, वे कैसे हैं? एक ही है. जितने भी नाम है या जितने भी अवतार है, वे और कृष्ण एक ही है. लेकिन वे अलग अलग भी है. अचिंत्य भेदाभेद. तो वह एको बहुश्याम कहा, एको बहुश्याम. एक बनते हैं अनेक, एक बनते अनेक. भगवान अनेक बनते हैं और फिर वैसे इसका नहीं कहेंगे. तो ये जो अनेक भगवान बनते हैं, एक के अनेक होते हैं, तो इस तो जितने भगवान के रूप है, अवतार है, उनका अपना अपना धाम है, अपना अपना निवास स्थान है. तो हम जब वैकुंठ कहते तो वैकुंठ एक धाम या एक प्लैनेट नहीं है. सारे अवतार एक ही वैकुंठ में रहते हैं. हर एक का अपना अपना धाम है.
हर एक अपना अपना धाम। और वैसे ही लिखा गोपाल चंपू में शायद लिखा, जब जब कृष्णा अपने प्राकट्य की तैयारी कर रहे थे गोलोक से, गोलोकम च परित्यज्य यहाँ उनको आना था, तो उस समय हर वैकुंठ से वहाँ के भगवान के जो भी अवतार है वो सब गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और उन्होंने प्रस्थान भी किया और सभी कृष्ण में समा गए। और फिर जब कृष्ण प्रकट हुए तो वह केवल कृष्ण ही नहीं थे, उनके अद्वैतम अच्युतम अनादि रूपम अनादि अनादि और अनंत रूप कृष्ण में थे। तो हर प्लैनेट से हर या भगवान के अवतारों के धामों से, उन वैकुंठों से भगवान आ गए और कृष्ण में मिल गए, कृष्ण के साथ हुए। तो वह तो राम या राम का भी प्लैनेट है, कृष्ण का भी प्लैनेट है, नरसिंह भगवान का भी अपना धाम है, और हरे के अपने अपने धाम है, अपने अपने निवास स्थान है, और अपने अपने उनके भक्त भी है। राम के भक्त है, नरसिंह के भक्त है, वामन भगवान के भक्त है, और सदा के लिए वे उन्हीं के भक्त है। तो ये कोई अचरज वाली बात नहीं है, राम और कृष्ण एक है तो उनके धाम दो क्यों है। तो वैसे उत्तर में हम ये कह रहे हैं कि केवल कृष्ण और राम ही एक नहीं है, कृष्ण और नरसिम्हा भी एक है, कृष्ण और वामन भी एक है, कृष्ण और परशुराम भी एक है, कृष्ण और फिर ये जो एक एक या फिर ये एक एक मिलके जो अनेक हो गए उनके अपने अपने धाम है। तो गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूत, तो गोलोक में तो कृष्ण निवास करते हैं, और लोकों में और जो अवतार है उनके निवास स्थान है। ओके, डू यू हैव फैमिली रिलेशंस देयर इन गोलोक, और एवरी लिविंग एंटिटी लव्स ओनली कृष्ण विदाउट एनी फैमिली रिलेशंस? क्या गोलोक में भी अलग अलग संबंध है, जो अलग अलग कई सारे लोग हैं तो उनके साथ एक एक भक्त का अलग अलग संबंध है कि केवल सभी का कृष्ण से ही संबंध है? और वैसा प्रश्न पूछते तो नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है कि क्या वहाँ के जीव या गोलोक के जीव, गोलोक के भक्त क्या केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं और भक्तों से प्रेम नहीं करते? तो वैसे भगवान ने कहा मुझसे प्रेम करने के पहले तुम क्या करो, मेरे भक्तों से प्रेम करो, लव माई डॉग बिफोर यू लव मी यू लव माई डॉग। मुझसे प्रेम करने से पहले तुम क्या करो, मेरे कुत्ते से प्रेम करो, या अगर मेरे कुत्ते से आपने प्रेम किया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे भी प्रेम करते हो। ऐसा उदाहरण प्रभुपाद भी समझाते थे। तो या फिर भगवान ने कहा
जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कहे नहीं नहीं वो मेरा भक्त नहीं है। फिर दूसरे भक्त ने कहा भगवान प्रभु प्रभु मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, तो फिर भगवान क्या कहेंगे, हाँ हाँ फिर तुम मेरे भक्त हो। तो गोलोक में ऐसे जैसे यहाँ पर भी कई सारे इंटर रिलेशनशिप, कई सारे संबंध, सगे संबंधी पड़ोसी, कोई नाना तो कोई चाचा तो कोई चाची तो बड़ी लंबी लिस्ट सूची होती है संबंधों की। लेकिन यहाँ के संबंध भौतिक है, आज है तो कल नहीं कि दोपहर को नहीं, क्या भरोसा है जिंदगी का। तो यहाँ अगर संबंध है तो समझना होगा कि वैसे संबंध वहाँ पर भी होंगे, क्योंकि समझ क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा। वहाँ जो भी है गोलोक में या वैकुंठ में उसी का प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन यह हम देखते हैं। यह संबंध है वहाँ संबंध होंगे तभी तो यह संबंध है। तो जैसे हम नाम ले रहे हैं दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, संबंध हुए कि नहीं, ये रस कहो या इसको रस को संबंध ही कहते हैं, दास्य दास्य भाव या दास्य संबंध, सख्य संबंध, वात्सल्य संबंध। तो जो सखा है वे केवल कृष्ण के ही सखा नहीं है, वे और सखाओं के भी वे सखा है। So like that, जो गोपिया है, बुजुर्ग गोपिया है, उनके पुत्र है, उनके पुत्र हैं, अपने पुत्रों से भी संबंध है, लेकिन वो सोचती है क्या कृष्ण जैसा पुत्र कभी हमको प्राप्त होगा। एक तो संबंध है अपने पुत्र है, और पुत्र से प्रेम है, अपने पुत्र से तो प्रेम होता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या कृष्ण जैसा पुत्र हमको कभी प्राप्त होगा। तो किसी ने ऐसा सोचा या चाहा तो भगवान तुरंत नोट करते हैं, और फिर ब्रह्म विमोहन लीला में क्या करते हैं, एक कृष्णा, एक के फिर अनेक बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल ब्रज में गोलोक में जितने ग्वाल बाल थे उतने कृष्ण ही उतने ग्वाल बाल बन जाते हैं। ब्रह्मा ने जब चोरी की तो उस सायंकाल को सभी ग्वाल बाल लौटे और सभी घरों में वे गए। तो वे ग्वाल बाल कौन थे, कृष्ण थे। फिर कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण बन गए पुत्र, एक पूरे साल भर के लिए कृष्ण बन गए उनके पुत्र। तो वे कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने पुत्रों से भी प्रेम करते हैं। तो यह फुल सारे रिलेशनशिप्स भगवत धाम में ऐसी वैरायटी है, ऐसी विविधता है, वैविध्य है भगवत धाम में। और ये जो मायावाद है, अद्वैतवाद है, निराकार निर्गुणवाद है,
ये वाद ये सारे संबंध को मिटाता है और केवल बस ज्योति है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। वहाँ फिर रूप भी नहीं है, रूप नहीं है तो फिर संबंध भी नहीं है, फिर बाद स्थान स्थान भी नहीं है निवास, रूप ही नहीं है तो निवास स्थान की क्या आवश्यकता है। किंतु ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कहे, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षा व्रतेशु, तो वह कल्प वृक्ष भी है, सुरभिरभिपालयंतम, तो गाय चर गाय सुरभि गाय जिनका लालन पालन या गोचारण कृष्ण करते हैं, और सदमसु वह निवास स्थान है। ये सारी वैरायटी सब अलग अलग रूप भी है, उनके निवास स्थान भी है, अलग अलग संबंध भी है, और प्रेम के संबंध है, और केवल कृष्ण से ही संबंध नहीं है, औरों के साथ भी उनके संबंध है। What is additional? What are the additional qualities in Radharani? Those are not in Krishna. Haridas Thakur पूछ रहे हैं। ऐसे कौन से गुण जो राधारानी में है और कृष्ण में नहीं है? कुछ तो होने चाहिए और है भी। इसी का पता लगवाने के लिए ही तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कॉन्फिडेंशियल गोपनीय कारण रहा राधा रानी के विशेष गुणों को, व्यक्तित्व को समझना, और उसको भाव भी कहा, राधा भाव कहा जा सकता है, राधा का भाव, राधा की भक्ति, राधाया महिमा की दृश्य चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तीन बातें जानना चाहते थे राधा के संबंध में, राधा का महिमा कैसा है, तो विशेष महिमा है, कुछ अधिक क्या है, अधिक महिमा है राधा का। ऐसे रुक्मिणी कही ही थी, प्रभु प्रभु द्वारकाधीश प्रभु, आप ऐसे कुछ बातें हैं, बस एक तो मैं भी थोड़ा थोड़ा जानती हूँ और बस राधा रानी जानती है, जिनको आप नहीं जानते हो। तो कृष्ण ने, द्वारकाधीश भगवान ने सोचा, क्या कह रहे हो, तूने भागवत नहीं पढ़ा क्या? भागवत में कहा है अभिज्ञ स्वराट, मैं कैसा हूं, अभिज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा मेरा गौरव है, और तुम कहते हो कि ऐसी कुछ बातें हैं राधा रानी जानती और मैं नहीं जानता। हाँ हाँ प्रभु है ऐसी कुछ बातें। तो राधा की भक्ति, राधा का भाव, राधा के विरह भाव या संभोग और विप्रलंभ, विप्रलंभ जब स्थिति को प्राप्त करती है राधा रानी,
मतलब इतना प्रेम करती है कृष्ण से, अधिक प्रेम, कृष्णा जितना प्रेम करते हैं राधा से उससे अधिक प्रेम राधा करती है कृष्ण से, दोनों में कंपटीशन चलती है। लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो, मेरी डिफीट हो रही है, आई एम बीइंग डिफीटेड, मैं परास्त हो रहा हूँ। तो वो समय जब भी यह रुक्मिणी ने कहा कि आप नहीं जानते हो, तो भगवान ने संकल्प किया, नेक्स्ट टाइम जब मैं अवतार लूँगा तो मैं राधा बन जाऊंगा, राधा बन के रहूंगा, और फिर राधा बनूंगा तो फिर मैं जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा, राधा रानी का साक्षात्कार होगा मुझे, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, फिर राधा रियलाइजेशन, मुझे राधा का साक्षात्कार होगा, राधा कौन है इसको मैं भली भांति उसका अनुभव करूंगा। तो राधा को जानने के लिए राधा में क्या अधिक है, राधा का भाव, राधा का प्रेम, और फिर राधा जो उस प्रेम का जो अनुभव करती है, कृष्णानंद लूटती है, कृष्ण के कारण जो आनंद का अनुभव करती है, ये तो इस प्रकार कुछ अधिक है कृष्ण में क्वालिटी के दृष्टि से। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मध्वाचार्य विथ गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्वाचार्य का गौड़ीय संप्रदाय से क्या संबंध? और हम एक ही है, मध्वाचार्य, मध्व संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है वैसे? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम केवल गौड़ीय संप्रदाय भी नहीं है, मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो वह फिर पुनः भेदा भेद की बात, दोनों में कुछ भेद है और कुछ साम्य भी है, और ये बात लागू होते फिर अन्य संप्रदायों को भी, और पूरे चार वैष्णव संप्रदाय है, और फिर गौड़ीय संप्रदाय भी निर्माण हुआ, एक शाखा उत्पन्न हुई, प्रारंभ हुई मध्वाचार्य के साथ, माधवेंद्रपुरी के साथ। तो वह इन फिर ये चारों या पांचों के मध्य में क्या संबंध है कि नहीं, कि हम अलग अलग है, भिन्न है? नहीं, हम एक भी है और हम अनेक भी है, भेद भी है और अभेद भी है। तो वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय मतलब विष्णु को या परम आराध्य, फिर विष्णु कहो, विष्णु कहा तो फिर राम भी आ गए उसमें, कृष्ण भी आ गए, तो विष्णु की आराधना, या वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है वासुदेव, ये भी मान्यता सभी संप्रदायों की है। तो कृष्ण है केंद्र में, विष्णु है केंद्र में, लक्ष्मी ना सेम सेम वे सेम है,
वे केंद्र में, इस प्रकार हम एक है, सामान्य है या अभेद है, और फिर कुछ भेद भी है। भावों के भेद है या फिर मुख्य भेद तो या ऐश्वर्य सख्य, ऐश्वर्य वात्सल्य, ऐश्वर्य माधुर्य, और गौड़ीय वैष्णवों का विश्रम्भ वात्सल्य सख्य माधुर्य, यह अंतर है। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नोट भी किया कि हर संप्रदाय की अपनी कोई विशेषता है, वैशिष्ट्य है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उन वैशिष्ट्यों को, विशेषताओं को अपने संप्रदाय में उसको मिला लिया। तो जहाँ तक मध्वाचार्य की बात है, मध्व संप्रदाय, तो उन्होंने किया हुआ मायावाद का खंडन, इसमें हम एक ही है। और फिर विग्रह की आराधना, कृष्ण अर्चना, ये मध्वाचार्य संप्रदाय से सीखे या चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में ये अर्चना, जैसे स्वयं ऐसे मध्वाचार्य ही कृष्ण की आराधना करते थे। उसके नाम हुआ उड़पी कृष्ण, उड़पी के कृष्ण, मध्वाचार्य के कृष्ण, उसे बलराम भी, लेकिन वो अलग मंदिर में है। तो भेदाभेद के दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। ओके, और भी कुछ प्रश्न है तो अगले सत्र में उसकी भी चर्चा होगी। हरी हरी गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल।